हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 16 वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स को पढ़ने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। तो आप इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर क्या है, वाटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट। हम सबको पता है जो वाटर है वो थ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर हम यहाँ पर गैस की फॉर्म में देखें तो यहाँ पर है वेपर्स, ठीक है। इन नेचर आप वेपर्स इन द एयर, जो एयर के अंदर वेपर्स पाए जाते हैं वो कौन सी फॉर्म होती है, वाटर की गैशियस फॉर्म होती है। उसके बाद देखेंगे एज लिक्विड इन द रिवर्स, लेक, सी, ग्राउंड वाटर, पॉन्ड, जो भी होता है वहाँ पर क्या होता है, वाटर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद है एंड सॉलिड इन द पोलर रीजंस, ठीक है। जो सॉलिड फॉर्म है वाटर की वो कहाँ पर होती है, पोलर रीजंस में, ठीक है, या फिर ग्लेशियर्स पर। तो हम उसको किस उसमें बोलते हैं, स्नो बोलते हैं, ठीक है। वो वाटर की क्या होती है, सॉलिड फॉर्म होती है। नेक्स्ट देखो, वाटर कवर्स नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। हमारे अर्थ सरफेस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिसे हम बोल सकते हैं 3/4, ठीक है, इतने में क्या पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। लेकिन वो जो वाटर होता है वो सॉल्टी वाटर होता है, हम उसको डायरेक्ट यूज में नहीं ले सकते। या आप कह सकते हैं 70% वाटर रहता है हमारे अर्थ के ऊपर, ठीक है, लेकिन वो सॉल्टी होता है, इस वजह से हम उसको यूज में नहीं ले सकते। और आप सभी को पता है वाटर कितना एसेंशियल है हमारी डोमेस्टिक पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और भी बहुत सारे वेज है जिसमें हमें वाटर बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर, कि वाटर के क्या क्या डिफरेंट सोर्स। फर्स्ट आता है सरफेस वाटर। तो अब आप ये देखिए कि सरफेस वाटर में क्या क्या आता है, जैसे रिवर, लेक एंड पॉन्ड्स आर कॉल्ड सरफेस वाटर, ठीक है, जो हमें सरफेस पर ही मिल जाए उसको हम बोलेंगे सरफेस वाटर। और जो सरफेस वाटर होता है वो हमें किसके लिए यूज होता है, जो हमारे डोमेस्टिक पर्पस होते हैं उसमें भी यूज आता है, इरीगेशन में यूज आता है, हम क्या करते हैं केनाल के थ्रू, अगर रेनफॉल नहीं होती है तो हम डैम्स के थ्रू, केनाल के थ्रू क्या करते हैं, इरीगेशन करवाते हैं। तो ठीक है, उसके अंदर भी क्या यूज होता है, सरफेस वाटर यूज होता है। उसके बाद आता है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या होता है, आ रिसीवर ऑफ वाटर कलेक्टेड अबव इन प्रीवियस ड्रॉप्स इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। अब देखो, जैसे रेनफॉल हुई तो वो सरफेस जो था हमारा, सॉइल थी, उससे एब्जॉर्ब होके या सीपेट होकर कहाँ चली गई, बिलो द ग्राउंड चली गई। और उसके बाद वो एक ऐसे स्टेज पर आकर रुक जाएगा, जो वाटर है जो नीचे गया है हमारे ग्राउंड में, जो सीपेट हुआ है, जहाँ पर जो रॉक्स हैं वहाँ पर आकर वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो उस जो हमारे ग्राउंड के नीचे जो पानी पाया जाता है, ठीक है, वो कौन सा वाटर होता है, ग्राउंड वाटर होता है, जिसे हम ट्यूबवेल के थ्रू या अलग अलग पर्पस से क्या करते हैं, हम उसको निकलवाते हैं, जैसे बोरिंग करवाते हैं इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद देखो रेन वाटर। रेन वाटर इज आवर प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर। जो रेन वाटर है वो क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर है, ठीक है। आप सभी को पता है जो एग्रीकल्चर होता है उसके अंदर जो फार्मर्स होते हैं वो मेनली किस पर डिपेंड रहते हैं, रेन पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। उनको इरीगेशन के लिए जो वाटर है वो मेनली रेन वाटर से उनके लिए रहता है। फिर उसके बाद ये देखो, इट वुड बी मोर करेक्ट टू यूज द टर्म, हम इस टर्म को यूज करते हैं, क्या टर्म है ये, प्रेसिपिटेशन। रेन वाटर मीन्स, ठीक है, प्रेसिपिटेशन विच इज इंक्लूड इन द रेन एंड स्नो। मतलब जो भी प्रेसिपिटेशन वर्ड जो है वो हम इसके लिए यूज करेंगे, बिकॉज क्योंकि जो रेन वाटर है, ठीक है, और जो स्नो है, जैसे ही रेन वाटर आता है या फिर स्नो की फॉर्म में आता है, वो सारा क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। अब जैसे आपने वाटर साइकिल देखी होगी, तो वाटर साइकिल के अंदर क्या होता है, हमारा जो वाटर होता है वो इवेपोरेट होता है, क्लाउड्स में जाता है, क्लाउड्स बनते हैं, और फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन होती है। प्रेसिपिटेशन देखो जाए तो रेनफॉल के हिसाब से हो सकती है या फिर स्नोफॉल से, ठीक है। तो बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।